हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम आनंद है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट। और ये वीडियो एक एडवांस प्लेयर के लिए है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो पोस्चर, दूसरा आपका कॉमन मिस्टेक, और तीसरा आपका ड्रिल, और चौथा आपका सेटिंग प्रैक्टिस। तो ये 4 पार्ट है। उसके बाद हम इसमें बहुत भी मतलब आपको टेक्निक बताएंगे कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हो जाती हैं और आप करते हो, तो सारी चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, और इस वीडियो का लाइक एम है 5000, तो लाइक भी कर दो यार। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको जैसा बताया था स्टांस मीन्स पोस्चर। तो इसमें आपको पोस्चर कैसा रखना है सेटिंग करते समय, देखो आप जैसे नेट पे खड़े, तो आपको अपना जो पैर है ये वाला, इसको आगे, अपने दोनों जो हाथ हैं इसको स्ट्रेट, एल्बो ना ज़्यादा खुले हुए ना ज़्यादा पास में, और उसके बाद आपकी बॉडी नीज, जो नी आपके, इसको बेंड रखना, और बोल आपका कुछ पोस्चर ऐसा होगा, ठीक है। और ऐसे ही पोस्चर रख के आपको जब भी आप कभी बॉल सेट करते हो तो बॉल को सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेटिंग पावर। अब आपको पावर कहाँ से जनरेट करनी है जब आप बॉल को सेट करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। पावर सेट करने के लिए आपको अपनी रिस्ट का कलाई, एल्बो, और उसके बाद होता है लेग। देखो आपकी रिस्ट, आपके हाथ कुछ ऐसे रहते हैं, उसके बाद ये आपका आता है एल्बो, ठीक है, ये दोनों बैंड, और उसके बाद लेग ऊपर नीचे। जब आप बॉल को फेंकोगे तो देखो हरदम, एक तो ये वाला पार्ट आपकी बॉडी का, ये वाला और लास्ट में लेग, ये तीनों ही बॉल को फेंकते समय यूज किया जाता है। देखो आपका शोल्डर का भी कहीं कहीं यूज होता है, क्योंकि अगर आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको बॉल को दूर फेंकने में को कैसे फेंकोगे। जब तक आपके शोल्डर के पास स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो आप बॉल को नहीं फेंक पाओगे। तो सेटिंग पावर के लिए आपको ये 4 होनी चाहिए। सेटिंग करते समय कि देखो आपकी जो ये फिंगर होंगी, ये इसके बीच में स्पेस होना चाहिए, और थंब दोनों साथ में होंगे। देखो जैसे ये वाले ये थंब है आपके, ये साथ में, और इसमें स्पेस, और ये जो ऊपर वाली जो दोनों उंगलियां होंगी, ये इसमें 2 इंच का गैप होता है, ठीक है। और बॉल को कुछ इसके बीच में बनता है ट्राइंगल, ये आपका मेरा जैसे ट्राइंगल बन रहा है, ये बॉल के बीच में ऐसे बनता है ट्राइंगल। तो आपको अपनी फिंगर को हरदम टाइट रखना है, और इसके बीच में ट्राइंगल बनेगा, गैप रहेगा। अगर किसी ऐसा सेटर है जिसके हाथ छोटे हैं तो वो स्पेस ज़्यादा कर सकता है, और जो ऐसा सेटर है जिसके हाथ बड़े हैं तो वो स्पेस कम रख सकता है। तो इस तरीके से अपना जो हैंड पोजीशन है फिंगर की, वो कुछ ट्राइंगल शेप में आती है, ठीक है। कि आपको जब बॉल को थ्रो करना है तो आपको क्या करना है कि ये जो पोजीशन होती है आपकी, ट्रायंगल जो बनती है बॉल के ऊपर, ये बाद में स्क्वायर हो जाती है। स्टार्टिंग में तो ट्रायंगल रहेगी, जैसे जब आप बॉल को रिसीव करोगे, बॉल आपके हाथों में, तो यहाँ ट्रायंगल बनता है। देन जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, जैसे बॉल को फेंक दिया, ये ऐसे फेंका, तो इन दोनों हाथों में ये ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि ये दोनों हाथ ऐसे हो जाते हैं, देख रहे हो, ये ऐसे ट्रायंगल बन जाता है। और स्टार्टिंग में कैसी होती पोजीशन, स्टार्टिंग में ये पोजीशन होती है ट्रायंगल वाली, और देन अब मैं आपको फेंक के दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल, तो स्टार्टिंग में ट्रायंगल, जब आप उसको बॉल को थ्रो कर दोगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर। स्टार्टिंग में ये ट्रायंगल, देन स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको मस्ट याद ही रखनी है, क्योंकि जब आप बॉल को थ्रो करोगे तो स्टार्टिंग में जो आपका सेटिंग पोस्चर रहेगा वो ट्रायंगल, देन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप बॉल को देखो, तो आप क्या करते हो कि बॉल, अब बॉल बाय द वे यहाँ आ रही है, तो आपको बॉल लेना कहाँ है, किस पोजीशन पे लेना है, तो मैं आपको बताता हूँ। बॉल हरदम आपके जो हेड है, हेड के ऊपर जो हेयर जहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके बॉल यहाँ गिरनी चाहिए, बॉल हरदम पर बॉल गिर रही है, तो आपको जब भी फिंगर का यूज़ करना है, यहाँ से आपको बॉल सेट करनी है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ और बॉल वहाँ पे आ जाती है, तो आपको जाना है बॉल के पास, और बॉल के नीचे आना है, बॉल आपके यहाँ हिसाब से आपको बॉल को रिसीव करना है, ठीक है। तो कभी भी आप बॉल को सेट करने जाओ तो आपको बॉल के पास जाना है। बॉल के पास कैसे, और बॉल को थ्रो कहाँ से करना, अपने हेड के ऊपर, यहाँ से, ठीक है। यहाँ आपका रहेगा बॉल, यहाँ आएगी, यहाँ सेट, देन थ्रो, ठीक है। और एक इसी में जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग गलतियाँ करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि बाय द वे बॉल वहाँ जा रही है,
अब उनको जाना कैसे है, आपको बॉल सेट करनी है तो बॉल को सेट कैसे करना है, आपको ऐसे नहीं जाना कि हाथ को लिया बॉल वहां जा रही है तो आप ऐसे नहीं करना है। आपको बॉल वहां है तो आपको पहले अपने स्टेप ले जाने हैं, बॉल यहाँ आई, ये लिया, पोजीशन ली और बॉल को थ्रो किया। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने बॉडी और अपने हाथों का और अपने लेग्स का यूज़ करना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी बॉल को सेट करते हो तो अपनी उंगलियों को देखो, कभी तो ना ऐसे कि ऐसे फेंको या ऐसे या कलाई को ऐसे घुमाओ, अपने हरदम हाथ को टाइट रखना है बॉल के ऊपर, जैसे बॉल के ऊपर कहते हैं पूरा कब्जा कि बॉल के ऊपर आपके पूरे हाथ सेट है, कुछ ऐसे रख के बॉल को फेंकना है। तो इस तरीके से अगर आप बॉल को फेंकते हो तो आपकी बॉल जहां आप फेंकना चाहते हो, एम ऑफ द पॉइंट, बाई द वे आपको ऑफ साइड हिटर के पास फेंकना है, कहीं भी बॉल को फेंकना है बना, तो आपको क्या करना है कि अपने हाथों को टाइट ट्रायंगल से थ्रो, ठीक है, इस तरीके से आप अगर बॉल को फेंकते हो तो आपका जो सेट करने का तरीका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट में आपको ये हमारा है ट्रेनिंग सेटर। जब आपको एक सेटर हो, आपका जो फिंगर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको अब ट्रेनिंग करनी है तो किस तरीके से ट्रेनिंग करोगे, देखो मैं आपको फोर ट्रेनिंग बताने वाला हूँ। पहली ओपन हैंड ट्रेनिंग। ओपन हैंड ट्रेनिंग क्या है कि आपको, आप यहाँ खड़े हो जाओ, बॉल वहाँ जा रही है तो आपको क्या करना है, वहाँ पहले जाना है रनिंग करके, ठीक है, उसके बाद बॉल को कैच किया एंड बॉल को हिट किया। तो इस ट्रेनिंग को आप पीछे जाके, जब बॉल यहाँ आ रही है तो आपको अपनी बॉडी घुमानी है, यहाँ गए बॉल को लिया और पीछे सेट किया, तो ये आपको कोर्ट, आपका जो 9 मीटर का कोर्ट होता है, तो आप कोई भी पोजीशन हो वहाँ जा, वहाँ हर प्लेस पे जाके आप बॉल को फेंक सकते हो जो आपका टारगेट है। तो फर्स्ट ट्रेनिंग आपकी ये होती है, और इसके अंदर आता है सेकंड ट्रेनिंग। सेकंड होती है स्क्वायर ट्रेनिंग। पहले तो आप प्लेस पे गए, और सेकंड में क्या होगा कि आपको रेक्टेंगल से ट्रेनिंग वाले, क्योंकि वहाँ आपको जाके बॉल को थ्रो करना है, ठीक है, बॉल यहाँ लिया, बॉल को थ्रो किया, आपके हाथ में बॉल होगी, पहले वाले केस में बॉल नहीं होगी, दूसरे वाले में आपके पास बॉल आ जाएगी। देखो जैसे ये बॉल ली, अब आपने क्या किया, बॉल को वहाँ उछाला, ये लिया ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो आपके पास सेकंड वाले केस में बॉल होगी। अब नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड में जो मैंने आपको बताया, तो इसमें 2x2 ट्रेनिंग है। 2x2 ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको पहले ट्रेंगल शेप में अपनी बॉडी को बेंड करके रखना है, और फिर इसको पहले पास से करना, फिर दूर जाना। देखो ऐसे करके आपको बॉल को ये ऐसे फेंकना, ये ट्रेंगल लेना है, स्टार्टिंग में ट्रेंगल देन स्क्वायर, ट्रेंगल स्क्वायर, ये लिया ये, अपने हाथों को खोलना है, ये ट्रेंगल स्क्वायर। तो 2x2 ट्रेनिंग यही है, इसमें ट्रेंगल देन स्क्वायर, तो वॉल के ऊपर आप पास से दूर से कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जिसमें ट्रेंगल स्क्वायर की ट्रेनिंग है, उसको देखो कैसे करना, बॉल लिया, अपनी बॉडी को बेंड, ये लिया, ये अपने पूरे बॉडी बॉडी का यूज करना है, और साथ साथ फिंगर का, को कितने आगे तक फेंक सकते हो। और इस ड्रिल को आप हर पोजीशन से कर सकते हो। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस वाली बैक अटैकर, तो इसको मुझे वहां फेंकना, ठीक है, तो ऐसे कर करके हम किसी भी पोजीशन से बॉल को लेना है और ट्रायंगल स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी है ऐसे, ठीक है। तो अपने पास चार सेटिंग ड्रिल आ गई है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो। देखो मैं ड्रिल को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब आपको बॉल थ्रो करना है नेट के ऊपर, तो आपको करना कैसे है, देखो हर चीज़ का एक एंगल होता है, तो आपको एंगल पे फोकस करना है। क्योंकि आप क्या करोगे, आपके पास बॉल आएगी, आपके साथ यही गलतियां होंगी कि आप बॉल को लोगे, पूरा फोर्स लगाओगे और बॉल पार ही नहीं जाएगी, बॉल दूर नहीं जाएगी, ये सब प्रॉब्लम होने वाली है आपके साथ। तो आपको फोकस क्या करना है कि आपको बॉल को 45 डिग्री एंगल पे फेंकना है। कहाँ फेंकना है, 45 डिग्री। जब आप बॉल को 45 फेंक दोगे, तब आपका जो पावर का यूज़ होगा वो कम से कम होगा, और साथ के साथ आप बॉल को ज़्यादा दूर तक फेंक पाओगे। मैं फेंक कर दिखाता हूँ, बॉल एरी ये रखना, ना तो ज़्यादा बॉल को, ना तो ऐसे फेंकना सीधा, और ना तो बॉल को ऐसे फेंकना ऐसे ज़्यादा ऊपर करके, ठीक है, आपको इसको
45 फेंकना ये, ठीक है 45 कुछ ये लेके ऐसे, ठीक है ना, तो ज्यादा ऊपर और ना तो ज्यादा स्ट्रेट और ना तो ज्यादा नीचे, तो आपको एंगल क्या रखना 45। तो अब एक पॉइंट है इसमें कॉमन मिस्टेक जो मैंने आपको लगभग, मैंने जब से वीडियो स्टार्ट किया मैं गलतियां ही बता रहा हूँ, पर मैं एक एक करके उस पॉइंट को आपको डिस्क्राइब कर दूँ। देखो पहला कॉमन मिस्टेक कि आप कभी भी बॉल को फेंको तो आपको एक 45 डिग्री एंगल लेना है। दूसरा कॉमन मिस्टेक कि आपको आपको बॉल फेंकने से पहले आपको पूरी शोल्डर का यूज़, पूरे जो हाथों का यूज़ नहीं करना, एक एक पार्ट जैसे मैंने आपको लेग हैंड इसका बताया तो उसका यूज़ करके ही बॉल को फेंकना। और उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक, जब बॉल आपके हेड के ऊपर आ जाए तब आपको बॉल को थ्रो करना, ना कि बॉल यहाँ पे आप पहले बॉल को थ्रो कर दो, तो ऐसे मत करो। तो थर्ड पॉइंट भी, आप कभी भी कोई बॉल फेंको तो पहले बॉल को, सेटर की खासियत होती है कि वो बॉल को अंदर आने देता है, क्योंकि सेटर क्या होता है, टीम का एक ऐसा प्लेयर होता है जिसकी फिंगर बहुत अच्छी होती है, तो वो बॉल को अंदर आने दे फिर बॉल को आराम से बाहर फेंके, ठीक है, थोड़ा वेट करो तो बॉल को फेंको। तो ये आपकी चार मिस्टेक हैं जिस पे आपको फोकस करना, तो इससे आप बचो तो आप आपकी जो सेटर करने की जो स्किल हो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो उसके बाद हमने जो बात की ड्रिल की, तो इसमें मेरे पास दो ड्रिल हैं। तो पहली ड्रिल ये कि हमको कोई टारगेट सेट करना और उसके पास बॉल को थ्रो करना। इससे क्या होगा कि आपके पास कई तरीके आएंगे कि उस बॉल को आप वहाँ कैसे फेंक सकते हो, ठीक है। और इससे एक चीज़ और आती है, मैं भूल गया था बीच में, तो बताऊँ कि जब भी आपको बॉल सेट करना है और जिसकी तरफ सेट करना है तो आपको अपना जो फेस है उसकी तरफ रखना है। जैसे आपकी बॉल यहाँ आ रही है, यहाँ आ गई है, तो आपको फेस तुरंत इधर घुमाना और बॉल को हिट फेंकना है, फेस उसकी तरफ ही रखना। तो मैं टारगेट की तरफ आपको हिट बॉल थ्रो करके दिखाता हूँ। सेकंड ड्रिल में क्या करना है कि बॉल को या तो आप किसी और से टॉस करवा लो या खुद टॉस करो, आपको बॉल नीचे हिट करना है, बॉल को सेट करना है, ठीक है। या तो कोई आपका दोस्त हो उसको नीचे मतलब हिट करवाओ बॉल को, आप सेट करो, या तो खुद हिट करो और बॉल को सेट करो। हमने फोर पॉइंट डिस्कस करे, तो ये पॉइंट आपको कैसे लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ के साथ हमारे अभी 11,000 सब्सक्राइबर वो भी कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारा सिर्फ 7 दिन में ऐसा हुआ। और जो भी हमारी वीडियो देख रहा तो सबको दिल से धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपना ब्लॉग चैनल है आनंद भारद्वाज ब्लॉग के नाम से, उसको भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है आनंद भारद्वाज के नाम से, उसको भी फॉलो कर लो, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वहाँ बताता रहता हूँ। और उसके बाद अपना मैंने अभी AB वॉलीबॉल करके इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, तो जो भी उस पर अभी नहीं जुड़ा तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको भी जाके फॉलो कर लो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।